अब मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे क्यों निकाला है। तूने निकलवाया ना मुझे, तूने उस डायरेक्टर के कान भरे थे ना। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कितना कुछ सोचा था मैंने हीरोइन बनने के लिए, और तूने सबको जला दिया। क्यों किया तूने ये जुर्म मेरा कि मैंने तेरी माशू का कर। चुप हो जा, वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। वो तेरी कुछ लगे या ना लगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने तो मेरा पत्ता साफ करवा दिया ना। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे काश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तू उन तक पहुंचा कैसे, और ये स्क्रिप्ट ये तेरे पास क्या कर रही है। ये देख ये सारे सीन मैं रिकॉर्ड करवा चुकी हूं, ये देख ये सब मैंने शूट किया है, और मुझे वो कहते हैं कि हमने आपको निकाल दिया, आप इस कैरेक्टर में मैच नहीं करती। ऐसे कैसे? वो टीन कर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता यार। छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब कुछ तूने ही किया है, ये सब कुछ तूने किया है वसीम, क्योंकि तेरे से हो मेरा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बता तूने ये क्यों किया, तूने ये सब कुछ अपनी इस माशूका के लिए किया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू कहा माँ की कसम, कहा अपनी माशूका की कसम, और बोल के तूने ऐसा नहीं किया। वो मेरी माशूका नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये कसम खा कि तू माम से मोहब्बत नहीं करता। खा कसम और बोल के मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। नहीं खा रहा कसम। खा कसम तो फिर ठीक है, मत खा तू कसम। जब तक तू कसम नहीं खाएगा मैं यही खड़ी रहूंगी, यही खड़े होकर शोर मचाती रहूंगी। तू जब तक कसम नहीं खाएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। खा कसम कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कसम खा मेरे सर के और बोल कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बोल। मैं रोज तेरी कसम खाता हूं कि मुझे वहां से मोहब्बत है।